हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तो आज हम कराने जा रहे हैं तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाय अमित पब्लिकेशन से कौन सा पाठ, पाठ 12, जिसका शीर्षक है आज़ादी। जी हाँ बच्चों, आज के पाठ का नाम है आज़ादी। देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। आज भी भारत के वीर सैनिक देश की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ कुछ देशभक्त वीरों के चित्र दिए गए हैं। ये देखिए, देशभक्त वीरों के चित्र हैं जिसमें महात्मा गांधी हैं, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई और डॉक्टर अंबेडकर। ये सब भारत के देशभक्त वीर थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया और अपनी जान तक गंवा दी थी, जिनकी देशभक्ति ने हमें अमर बना दिया। ऐसे वीरों के बारे में हमें अधिक से अधिक जानना चाहिए ताकि हम उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। आज़ादी एक महत्वपूर्ण और स्वाभाविक हकीकत है जो हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक अद्वितीय अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं के निर्णय लेने की स्वतंत्रता और अधिकार को प्राप्त करता है। आज़ादी का मतलब है स्वतंत्रता, स्वाधीनता और स्वतंत्र विचार की आजीवन आवश्यकता। इसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के स्वयं के अधिकारों का और दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी महत्वपूर्ण होता है। आज़ादी एक समृद्ध और सहयोगी समाज की नींव होती है जो समृद्धि, समानता और शांति के माध्यम से प्रगति करता है। आइए शुरू करते हैं बच्चों। ये एक एकांकी है तो जिसमें जो पात्र हैं, इसके जो करेक्टर्स हैं, पात्र हैं कौन कौन से हैं। बालक चंद्रशेखर, ब्रिटिश जज यानी कि अंग्रेज जज, ब्रिटिश अफसर और 4 सिपाही और 1 सूत्रधार। तो 15 अगस्त का दिन है। कक्षा 2 के बच्चे मंच पर पात्रों की वेशभूषा पहनकर नाटक कर रहे हैं। पर्दा खुलता है, मंच पर अदालत का दृश्य है। ब्रिटिश जज के सामने बैठे हैं, ब्रिटिश जो है वो जज के सामने बैठे हुए हैं। एक ब्रिटिश अफसर और 2 सिपाही वहाँ खड़े हैं। तो सूत्रधार, सबसे पहले सूत्रधार क्या बोलता है, आज़ादी का जश्न मनाएं उनको करके याद, जिनके बलिदानों के कारण देश हुआ आज़ाद। फिर ब्रिटिश जज कहता है अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। ये देखिए, आप देख रहे हैं इस चित्र में, ब्रिटिश जज है, ब्रिटिश अफसर है और एक छोटा बालक है जो आज़ाद, जिसका नाम आज़ाद है, और ये 2 कौन है, ये 2 सिपाही खड़े हुए हैं। तो बालक चंद्रशेखर कहता, ब्रिटिश जज कहता है अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। तो बालक चंद्रशेखर, ये जो छोटा सा बालक है, वो क्या बोल रहा है, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। तो 2 बालक चंद्रशेखर को पकड़े हुए प्रवेश करते हैं। 2 जो सिपाही होते हैं वो जो बालक चंद्रशेखर यानी जो छोटा है उसको लेकर आते हैं। ब्रिटिश अफसर, जज साहब आप तो जानते हैं आजकल भारत के लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ब्रिटिश अफसर कहता है वे भारत की आज़ादी चाहते हैं। ब्रिटिश जज कहते हैं लेकिन वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो ब्रिटिश अफसर क्या बोलता है, वह भारत की आज़ादी चाहते हैं इसलिए असहयोग आंदोलन कर रहे हैं। ठीक। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद होता है ब्रिटिश जज कहता है असहयोग आंदोलन क्या है, ये जो असहयोग आंदोलन कर रहे हैं ये क्या होता है। तो ब्रिटिश अफसर कहता है असहयोग आंदोलन का मतलब है ब्रिटिश सरकार से असहयोग, उनको सहयोग ना करें, जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं। ब्रिटिश असहयोग आंदोलन क्या होता है, इसमें जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं, मैदान और चौराहों पर लोग इकट्ठे होते हैं, आग जलाई जाती है, लोग अपने घरों से विदेशी वस्त्र लाकर उस आग में जलाते हैं, भारत की आज़ादी के लिए नारे लगाए जाते हैं। तो ब्रिटिश जज कहते हैं इस लड़के ने क्या अपराध किया है, इसने क्या अपराध किया है। तो ब्रिटिश अफसर कहता है इसने भी जुलूस में भाग लिया है, भारत की आज़ादी के लिए नारे लगाए हैं। तो बालक चंद्रशेखर, भारत माता की जय, बालक चंद्रशेखर उसके सामने बोलता है भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय।
तो ब्रिटिश जज उसे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो बालक चंद्रशेखर क्या बोलता है? मेरा नाम आज़ाद है। ब्रिटिश जज पूछता है, और पिता का क्या नाम है? तो बालक चंद्रशेखर क्या बोलता है? स्वतंत्रता। तो ब्रिटिश जज पूछता है बालक चंद्रशेखर से कि तुम क्या चाहते हो? तो बालक चंद्रशेखर क्या बोलता है? भारत माता की आज़ादी। ब्रिटिश जज को गुस्सा आ जाता है, गुस्से में कहता है इसे 15 कोड़े मारे जाएं। छोटे से बालक को बोलता है इसे 15 कोड़े मारे जाएं। तो बालक चंद्रशेखर उसको कोड़े भी पड़ते हैं, वो कहता है भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। और सिपाही बालक चंद्रशेखर को पकड़कर ले जाते हैं, और सूत्रधार जो पीछे से बोल रहा है सूत्रधार, वो क्या बोलता है? यह बालक जब बड़ा हुआ तब कहलाया आज़ाद, ऐसे वीरों के कारण भारत है आज़ाद। और अंत में सूत्रधार स्वतंत्रता सेनानियों की जय बोलते हुए नारे लगवाता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ, जो कि सत्य एकांकी था, और आपने देखा कि वो जो आज़ाद था वो बड़े होकर उनका क्या नाम था, वही थे हमारे भारत के वीर सिपाही जिनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। और इन्होंने अपने भारत की, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी वीर गति को प्राप्त हुए थे, और ऐसे ही सैनिकों के, ऐसे ही वीर सेनानियों की वजह से हम आज अपने स्वतंत्र भारत में आज़ादी की खुली सांस ले रहे हैं। चलिए, और अब हम चलते हैं कठिन शब्द, ब्रिटिश इकट्ठा, कोड़े, बलिदान, चौराहा, सेनानी, कार्यवाही, विदेशी, सूत्रधार, आंदोलन, स्वतंत्रता, सिपाही, जुलूस, आज़ादी और असहयोग। अब आ रहे हैं हम किस पे? शब्दार्थ पर। सूत्रधार का अर्थ है संचालक, आज़ादी स्वतंत्रता जश्न का अर्थ है उत्सव, बलिदान का अर्थ है कुर्बानी, असहयोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन यानी चलाया गया जन आंदोलन, अपराध का मतलब है दोष, और कोड़ा का अर्थ है चाबुक। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमसे पूछे गए हैं कुछ प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस प्रकार किया गया, असहयोग आंदोलन में क्या होता है? बच्चों जो हमारे भारत के नागरिक होते हैं, जनता होती है, वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, लोग मैदानों और चौराहों में इकट्ठे आते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, और जो विदेशी वस्त्र होते हैं उनको जलाया जाता है। ब्रिटिश जज को गुस्सा क्यों आ गया था? ब्रिटिश जज को गुस्सा यूं आ गया था जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने बोला मेरा नाम आज़ाद है। उस बच्चे से पूछा गया तुम्हारे पिता का नाम क्या है, उसने बोला मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। और जब ब्रिटिश जज ने पूछा तुम क्या चाहते हो, उसने बोला भारत माता की आज़ादी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नारे लगाए थे भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। तो ये सब सुनकर ब्रिटिश जज को गुस्सा आ गया। आपको इस पाठ से क्या संदेश मिलता है? बच्चों इस पाठ से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें भी अपने देशभक्त होना चाहिए, अपने देश से हमेशा प्रेम करिए। अब हम कहाँ जा रहे हैं, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। बालक का क्या नाम था, क्या नाम था बालक का? चंद्रशेखर, सूत्रधार, भगत सिंह या महात्मा गांधी? बालक का नाम था चंद्रशेखर। भारत उस समय कौन सा भारत में उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन, सहयोग, भारत छोड़ो या एकता? भारत में उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। लोग इकट्ठा होकर आग में क्या जला रहे थे? देशी वस्त्र, विदेशी वस्त्र, कागज या सरकारी कागज? लोग इकट्ठा होकर आग में जला रहे थे विदेशी वस्त्र। जज ने बालक को कितने कोड़े लगाने की सजा दी? 17, 15, 20 या 12? बालक को 15 कोड़े लगाने की आज्ञा दी। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम चल रहे हैं किसने कहा और किससे कहा। हमने अभी अभी पाठ पढ़ा है, और अब हमें देखना है कि ये चीज किसने बोली। भारत माता की जय किसने बोला? भारत माता की जय किसने कहा था? बालक आजाद ने। किससे कहा था? ब्रिटिश जज।
आज़ादी का जश्न मनाए उनको करके याद, ये किसने कहा था? ये कहा था सूत्रधार ने। और किससे कहा था? ब्रिटिश जज से। भारत माता की आजादी, ये किसने कहा था? ये भी आजाद ने कहा था। और किससे कहा था? जब उसको अदालत में पेश किया गया था तो उसने कहा था ब्रिटिश जज से। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए, ये किसने कहा था? ब्रिटिश जज ने। और किससे कहा था? ब्रिटिश ऑफिसर से। तो बच्चों ये हमने प्रश्न किया, किसने कहा और किससे कहा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हमें क्या करना है? अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी कि हमें रिक्त स्थानों को भरना है। सबसे पहले है चंद्रशेखर ने कहा मेरा नाम क्या है? मेरा नाम आज़ाद है। मेरा नाम आज़ाद है। लोग असहयोग आंदोलन में क्या निकाल रहे थे? लोग असहयोग आंदोलन में जुलूस निकाल रहे थे, आग में डैश वस्त्र आदि जला रहे थे। आग में कौन से वस्त्र जला रहे थे? आग में वह विदेशी वस्त्र, जो विदेशी वस्त्र थे, विदेशी वस्त्र जला रहे थे। ब्रिटिश जज ने पूछा इस लड़के का ने क्या किया है? तो ब्रिटिश जज ने पूछा इस लड़के ने क्या अपराध, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपराध। इस लड़के ने क्या अपराध किया है? और अब हमारे पास है वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा वाक्य है? असहयोग आंदोलन का मतलब है ब्रिटिश सरकार से असहयोग करना होता है। जी हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश सरकार से असहयोग करना होता है। तो हमने इस पे आगे सही का निशान लगा दिया। उसके बाद है अदालत में तीन सिपाही खड़े थे। जी नहीं, अदालत में दो सिपाही खड़े थे, तो ये गलत है। पाठ के अनुसार आज़ाद के पिता का नाम स्वतंत्रता था। जी हाँ बिल्कुल सही, पाठ के अनुसार आज़ाद के पिता का नाम स्वतंत्रता था। आज़ाद को 20 कोड़े मारे गए। जी नहीं, आज़ाद को 20 कोड़े नहीं मारे गए थे, यह गलत है। बालक बड़ा होकर महात्मा गांधी कहलाया। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बालक बड़ा होकर चंद्रशेखर आज़ाद कहलाया, तो यह भी गलत है। और अब हमसे पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सबसे पहले हमें प्रश्न पूछा गया है किस कक्षा के बच्चे नाटक कर रहे हैं? कक्षा 2 के बच्चे नाटक कर रहे हैं। भारत के लोग आंदोलन क्यों कर रहे थे? भारत के लोग अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे। बालक ने कौन कौन से नारे लगाए? बालक ने नारे लगाए भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय, बालक ने ये नारे लगाए। हमें किन्हें याद करते हुए आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए? हमें भारत के वीर सपूतों को याद करके आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए, जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस। हमें ऐसे वीर नेताओं को याद करते हुए आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए। बालक ने अपने पिता का क्या नाम बताया? बालक ने अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया था। और इसके साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। बहुत जल्दी आते हैं नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।